और भाइयों, मुझे कोई किसान कौन के बारे में कोई कहता था या मेरे प्रदेश के बारे में कोई कहता था तो मुझे पीड़ा होती थी, और जिसको पीड़ा होती है वो तकलीफ पाता है। मुझे पीड़ा हुई तो मुझे सड़क मिली, और जिनको पीड़ा नहीं हुई उनको राज मिला। कई लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं और कई लोग लड़ने के लिए पैदा होते हैं। हम लड़ने के लिए हैं। ये एक साल की लड़ाई नहीं है, ये 1993, 1995, 1997 से लेकर लंबा समय हो गया। 30 साल से कॉलेज का एक छात्र कॉलेज गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ जो जयपुर की कॉलेज के अंदर जाता है, फिर कॉलेज से विधि कॉलेज विश्वविद्यालय, पारिवारिक संघर्ष, अपने समाज के तमाम उन बड़े नेताओं से जो अपने घर से फरमान जारी करते थे वोटों का, तमाम उन राजस्थान के अपराधियों से, बड़े नेताओं से, वसुंधरा से, और फिर गहलोत के भी जादूगरी जो खत्म की उसके बेटे को हरा के, वो हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया। गठबंधन भी आपके लिए किया था। गठबंधन के अंदर उस समय यह था, चुनाव में लड़ता 3.5 लाख के करीब वोट आते मेरे आरपी पार्टी से, लेकिन जो मेरे सामने परिवार था वो 60 साल से राजस्थान को ठग रहा था, मारवाड़ को ठग रहा था। ऐसे भाषण देते थे उसके दादाजी और जो लोग, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग खाली हो जाते, सही बात है, मेर आएगी तो डूब जाओगे, लाशें आएगी ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बजाओ ताली खाली बजाते थे। उन भोले भाले लोगों की चिंता मैंने करी कि मैं मेरे भाइयों को होशियार करूंगा, ये दादाजी परदादाजी का खेल खत्म करूंगा, और खेल खत्म करने के लिए मुझे गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन किसके साथ करता हूं? मैंने कहा किसके साथ करूं बताओ, मुझे 1.5-2 लाख वोट चाहिए। आपने कहा मोदी जी के साथ कर लो, करिए मैंने मोदी जी के साथ, और जैसे ही किसान को तकलीफ पड़ी छोड़ दिया गठबंधन। और आज जिसका जिक्र आप कर रहे थे तो बीजेपी में भाग गई, वो तो 14 में उसको हराया, 19 में हराया, और 14 के चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त कराए थे, मैं हार गया। खेमसर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ उसका गांव है वहाँ की जमानत जब्त कराई थी, 17,000 वोट नहीं लेंगे। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं, हम भी जानते हैं कोई आदमी पार्टी कैसे बदलता है। दो तरीके से पार्टी बदलता है, एक तो आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है, और एक जांच ईडी और सीबीआई, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है, वो ईडी और सीबीआई के रडार पे होते हैं, और ईडी और सीबीआई जिसके पीछे लग जाती है उसको पार्टी बदलनी पड़ती है, क्योंकि जेल जाने की उनकी हिम्मत नहीं। मेरे को कोई पार्टी नहीं बदलवा सकता मेरे मन के बिना। अभी लोग पूछे थे आप किससे गठबंधन करो, किससे करो गठबंधन, मतलब नहीं गठबंधन करने का भाई, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अभी लड़ाई में भी लड़नी है, चाहे अलवर से आप मदद करोगे नहीं करो, मैं तो लड़ाई के मैदान के अंदर उतर गया। अगर मदद करोगे अच्छी बात है, नहीं भी करोगे लड़ाई आपके लिए लड़ता रहूंगा, मैं थोड़ी करूंगा अलवर के लिए लड़ूंगा, पूरे राजस्थान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मुझे आज भी पीड़ा जब शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम लोग बैठे थे तब अलवर जिले का जितना समर्थन हमें मिलना चाहिए था कम मिला, कभी तो 50 लड़के आते, कभी 100 आते, कभी 150 जरूर बच्चे हमारे आठ पास गांव को ट्रैक्टर दौड़ाते थे रोज। जब शाहजहांपुर बॉर्डर तक चल के अपन लोग नहीं आ सकते, दिल्ली कूच के आप देखे देश में आंदोलन हो रहे हैं, दूसरे राज्यों को देखो, मैं कोई मणिपुर की हिंसा को जाहिर नहीं ठहरा था, गलत है, लेकिन लोग अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह मरने के लिए आ जाते, देखा आपने क्या दम है अपने अंदर, एक गोली चल जाए तो पता लगे कहां गए, वापिस चालू नहीं गए 3 दिन तक, एक गोली चल जाए और एक मुकदमा दर्ज हो जाए बोले सारी ठोकर मैं तो नजदीक ही कौन हूँ मारते की लागे रिश्ता ही नहीं होता। कौन सा राजस्थान की बात कर रहे हो आप, लेकिन थोड़ी बहुत जो राजस्थान के बारे में बातें चली दिल्ली में, हर चिकन आपको बता देंगे। जब मैं लोकसभा के अंदर चुन के गया तब हरियाणा यूपी और बिहार के सांसद ध्यान देने लगे कि राजस्थान का कौन आया थे, उन्हें राजस्थान की तरफ से आया जो लड़ा है देश के लिए। जब पहलवान बेटियां संकट के अंदर, राजस्थान की बेटियां नहीं थी, सारे जो हमारे मेडल है वो हरियाणा के बच्चे हमारे जीतते हैं, यूपी के जीतते हैं, पंजाब के जीतते हैं, हमारे राजस्थान में तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तो गुलामी सबसे ज्यादा लोगों ने की, एक बार एक पार्टी को वोट दे दिया और 4.5 साल बाद पार्टी चेंज करने का मौसम आता है, एक चालू होता है तो 500, 700, 800 पार्टी बदल लेते, फिर 4.5 साल हुई, फिर 500, 700, 800 अलवर में भी कई बदलेंगे, देख रहे चालू हो गया मौसम इधर उधर इधर उधर करते रहने लोगों की आदत है। भाइयों, एक व्यक्ति लड़ा जिसने राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। कई लोगों की बात की तकलीफ भी होती है कि आप अकेले के राजस्थान लड़ रहे हो, हाँ लड़ रहा हूँ ना, तो लड़ो मेरे बराबर, मैं अपना आप धन्यवाद दे दूंगा आपको, अभी तो अकेला ही लड़ रहा हूँ भाई। इस प्रदेश में पार्टी नहीं बनी, 70 साल किसका इंतजार कर रहे थे, मैं तो बहुत लेट आया, मैं तो बड़े बड़े किसान नेता, बड़े बड़े चौधरी साहब थे आदर्श, मुझे चौधरी लगाते थे, जो कहाँ चले जाते,
कोई गहलोत के कदमों में पड़ गया, कोई सुखाड़िया जी के पड़ गया, कोई माथुर के पड़ गया, हरदेव जोशी के पड़ गया, कोई वसुंधरा के कदमों में पड़ गया, कोई किसके कपड़े ड्राई क्लीन करा के ला रहा था, कोई कहीं जा रहा था। एक व्यक्ति है जिसने आपका सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, जितने ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ के सांसद जो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति लड़ेगा किसान के लिए, जवान के लिए, और प्रधानमंत्री जी को भी अगर कहने की कोई हिम्मत रखता है, वो एक व्यक्ति आपका भाई है। जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, मुझे बहुत पीड़ा हुई, बच्चों की भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, मैं इन्होंने कहा आप एक बार हमारे साथ आ जाओ और चुनाव हो जाएंगे। मैंने इनको एक बात कही थी, मैं आ जाऊंगा लेकिन मेरे आने के बाद दूसरा कोई नहीं बचेगा, मैं ही रहूंगा, क्यों भाग जाएंगे सारे। प्रयास किया इन लोगों ने, अलग अलग संगठनों के लोग आए, कांग्रेस बीजेपी में एक बिना झंडे का आंदोलन करे राजस्थान के अंदर, दो बार गए कोई नहीं आया, तीसरी बार में रैली की घोषणा करी, जोधपुर गए परमिशन दी रद्द कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रद्द परमिशन में रैली करके आए, बीकानेर अजमेर सीकर अबलवर धारे भरतपुर कोटा उदयपुर, जब लड़ाई हाथ में ले ली तो इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी शुरू से आदत है। और एक मेरी आदत हो रही, मैं समझौता नहीं करता और मेरे हिसाब से समझौता करता हूँ, अगले के हिसाब से समझौता। मैंने ये तय किया था कि वसुंधरा को भगा दूंगा, उसको सात समुंदर पार उसके दोस्त मोदी के पास भेजे, ललित मोदी को भेजा नहीं भेजा, तो मेरा ही संघर्ष था, क्योंकि बीजेपी ने वसुंधरा को आउट नहीं किया। हनुमान बेनीवाल के नौजवानों की ललकार संघर्ष ओंकार ने वसुंधरा को राजस्थान के से बाहर निकाल दिया। कहाँ तो वसुंधरा आती थी, लोग भागते थे, वसुंधरा का ये टाइम आ गया कि सरपंचों को फोन करके कहती है कि आपके कोई गांव में प्रोग्राम हो तो मुझे भी बुलाना सौ मणि के अंदर, इससे दिक्कत थी वसुंधरा। ये कोई लोगों ने की कह रहे जोधपुर मंत्री ने कर दी, कहां से करके भाई, ये तो आए हैं दो तीन साल पहले। ये कौन व्यक्ति लड़ रहा है लड़ाई, जिसकी लड़ाई देखो लंबी 20 साल कौन लड़ रहा है। हरियाणा के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, मैं गया था बहादुरगढ़ पर, लेकिन हरियाणा की जो पंचायत की देखी मैंने, उसको देखे मैंने कहा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं, इनकी मदद राजस्थान में चल गई करो, ये तो मंच पे आप राजस्थान लड़ाई चल रही थी, और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराएंगे, मेरे भाइयों पे अगर गोली चलाओगे तो पूरे देश का जाट गुजर इनके साथ करेंगे। जब गुजर आरक्षण आंदोलन चला, गुजर भाइयों के लिए सड़क पे बैठा, हमेशा विधानसभा लोकसभा के अंदर आप देखते हो, लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा, आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ, जाट मीणा गुजर यादव मेघवाल माली मुस्लिम सर्व समाज की कोई बात करता है, ब्राह्मण बनिए के बेटे अगर गरीब है उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। क्या भी अन्याय हुआ राजस्थान के अंदर, थानागाजी का जो मामला था उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार ने चालान किया हमारा, आपको पता 200 स्टेशन पे कितना बड़ा वो पंगा हुआ था, हर जगह जहां भी दलित बेटियों पे हमारी बेटियों पे अत्याचार अन्याय हुआ दरिंदगी हुई, जहां भी छोटे भाई अगर किसी गोली का शिकार हुए, किसान ने आत्महत्या की, सरकार निरंकुश हुई, वो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे पहले पहुंची। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब गहलोत के प्रिय मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, लेकिन हनुमान की आरएलपी पार्टी जो किसानों का आशीर्वाद से बनी थी, उसके तीनों विधायक ताल ठोकते थे विधानसभा के अंदर, सड़क पे मैं लड़ रहा था और लोकसभा के अंदर आपका मान सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। पीआरसीपी जो 13 राज्यों की आपकी जीवन रेखा साबित हो सकती है, पीआरसीपी का मुद्दा किसने उठाया सबसे ज्यादा, कितने राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात करी, किस व्यक्ति ने फसल बीमा केंद्र घोटाले की बात करी, फसल बीमा कंपनियां घोटाला कर रही है, पेपर लीक की घटनाएं हो, बढ़ते अपराध की घटनाएं हो, हमारे राजस्थान को नया स्वरूप कैसे मिले, खेत खेत सिंचाई का पानी कैसा है, और उद्योग धंधों में भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुओं तक स्थानीय लोगों को 80% रोजगार की अगर किसी ने बात करी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जवान किसान सबकी चिंता करी, और उसी का परिणाम है कि आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो। मैं आज कोई रैली करने आपके बीच नहीं आया, आमंत्रण देने के लिए आया हूं। अभी मैंने बजरी माफिया के खिलाफ 11 रैलियां राजस्थान के अंदर करी थी, बजरी माफिया की मैंने दरी समेट दी, जिसकी जेब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले थे, तो कागज मेरे पास आए हैं, तो बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप और कांग्रेस के नेताओं की पार्टनरशिप बजरी माफिया के पास। भाई लड़ रहा है एक व्यक्ति, अकेला लड़ रहा है, कोटपुतली के बाद वो मोदी की सरकार से लड़ रहा है, और कोटपुतली तक जब आपका साथ आपको छोड़ रहे तो गहलोत की सरकार से लड़ रहा है, क्या मुझे देखते हैं बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेते हैं, आप देखिए कहीं कहीं
हर जगह राजनीति उठापटक हो रही है। शासन चुनाव अगर बंद कराए इसमें भी निश्चित रूप से सरकार की मंशा थी कि हम चुनाव कराएंगे, हारेंगे चुनाव, बीजेपी हारेगी कांग्रेस हारेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बंद कराए और बीजेपी से बात करी, हम बंद करा रहे हैं, आप इसको मुद्दा मत बनाना। उनको पता नहीं था कि आरएलपी तीसरा दल भी राजस्थान के अंदर है तो उसमें कूद पड़ेगा। उनको लगा कि आरएलपी का कोई संगठन नहीं है, और मैंने संगठन इसलिए नहीं बनाया, ये सब चुनाव लड़ने वाले मेरे छोटे भाई हैं, अगर कोई बीजेपी के संगठन चाहता है, कांग्रेस के संगठन चाहता है, ये मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरे पे हमला हुआ था तो इन सब ने मिलकर मेरे लिए लाठियां खाई थी, वो दिन भी मैं याद रखता हूँ। मेरे लिए इनके प्रति कभी कैसा भी नहीं रहा, जो भी आता है उसको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेकेंड पीढ़ी जब तक तैयार नहीं होगी तब तक इस राज्य का भला नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता। सात संघों के माध्यम से निकले हुए सैकड़ों नेताओं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पदों को सुशोभित किया, देश में बड़े पदों पर रहे, और अपने प्रदेश के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे नेता होंगे तो विधायक सांसद और मंत्री बने। दुर्भाग्य इस बात का है सबकी जबान पे ताला लग गया। मैं सचिन पायलट को पूछना चाहता हूँ, पायलट जी आप बड़ी नौजवानों की बात करते थे, युवाओं की बात करते थे, इसमें क्या करना चाहते हो सत्संग में, एक ट्वीट तो कर दो, चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पता लग जाएगा आपकी भावना क्या नौजवानों पर। आप तो नौजवान राजनीति करते हो सारी, सब मौन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 की जो रैली होगी वो राजस्थान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। 1 लाख से ज्यादा जवान और छात्र इस राजधानी में जुटेगा, उसे गहलोत सरकार को झुकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे, ये विश्वास दिलाना है आपको।